Welcome students. Today we are going to start our second chapter and the name of the chapter is support and movement. And this is our first lecture from this chapter. As the name indicates, support and movement. So these are two different terms and we are going to understand them separately. First, we are going to emphasize or we are going to study the support in plants. How plants get support and how it is able to stand and withstand with the environment and withstand with the air and force and hold the ground. And how along a large tree or even a small plant is capable of standing and holding its shape. This is all we are going to study in this chapter. Support in plant is done by two methods or by two parameters in the plant, by turgidity and by mechanical tissues. Turgidity is a factor in which when plant cells gets a full amount of water, absorbs a cell gets a full amount of water by endosmosis and keeps it inside, and the cell membrane stretches out to its maximum. The cell is supposed to be turgid. इस कंडीशन में हम कहते हैं कि सेल टर्जिड हो चुका है क्योंकि उसने अपना जितना वाटर होल्ड कर सकता है उसने किया हुआ है और अपनी एक परफेक्ट शेप उसने एक्वायर कर ली है. सो इन दिस कंडीशन हम सेल को कहते हैं कि वो टर्जिड है. सो हर्बेशियस प्लांट्स जो हैं, स्पेशली लोअर प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स, जिनमें मैकेनिकल टिश्यूज बहुत ज़्यादा, मैकेनिकल टिश्यूज से मुराद है इस वक्त मेरी ब्रायोफाइट्स को लेके मुराद है हार्ड टिश्यू, जैसे कि हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, या हम वेस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करें तो वो उसमें एब्सेंट होते हैं. तो जिन टिश्यूज जो टिश्यूज इन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, उन प्लांट्स को अपनी शेप बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर के ऊपर रिलाय करना पड़ता है और वो है टर्जिडिटी. अलॉन्ग विद पैरेन्काइमा दे डोंट हैव एनी अदर वेस्कुलर टिश्यूज, सो दे हैव टू रिलाई ऑन द फैक्टर ऑफ टर्जिडिटी, कि कितना जितना वो वाटर अच्छे तरीके से होल्ड कर सकेंगे उनके टिश्यूज उतनी ही उनकी शेप बरकरार रहेगी, पूरे प्लांट की भी और एक सिंगल सेल की भी. सो दिस इज हाउ दोज प्लांट्स मेंटेन देयर शेप. और अगर हम ऑल ओवर द प्लांट, तमाम प्लांट्स की बात करें कि किस तरीके से अपनी शेप होल्ड करते हैं, तो फिर हम बात करेंगे प्लांट की पूरी बॉडी की. कि पहले तो हमें ये देखना है कि प्लांट की बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, दीज आर द बेसिक प्लांट पार्ट्स. ये तमाम प्लांट पार्ट्स तीन बेसिक पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेड होते हैं. तीन बेसिक पोर्शंस में हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं, किन तीन बेसिक पोर्शंस में और तीन बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज में हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं. ग्राउंड टिश्यूज, वेस्कुलर टिश्यूज एंड डर्मल टिश्यूज. नाउ व्हाट आर ग्राउंड टिश्यूज? अगर हम सेल प्लांट के रूट या स्टेम का सेक्शन कट करें, ट्रांसवर्स सेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल सेक्शन कट करें, तो उसकी जो बेस है यानी सेंट्रल के टिश्यूज, या ये जो सेंट्रल पार्ट पूरे का पूरा ये जो एरिया है, ये जो फील्ड है जिन टिश्यूज से, उन्हें हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यूज. व्हाइल द आउटर मोस्ट लेयर इज सपोज टू बी डर्मल टिश्यूज. डर्मल टिश्यूज, दीज along with these tissues in the center there are a complete vascular system is present that is called as stele. Stele is an arrangement of vascular tissues. What type of arrangement? जिसके अंदर xylem and phloem, ये दोनों type के vascular tissues अपने आप को एक vascular bundle की form में arrange करें और ये वेस्कुलर बंडल्स भी अपने आप को एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज करें इन द सेंटर ऑफ द स्टेम और रूट. तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्टील. सो दिस इज हाउ वी कैन स्टडी द होल प्लांट टिश्यूज बाय डिवाइडिंग दैम इन डिफरेंट टाइप्स एंड इन डिफरेंट पैटर्न्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ डिफरेंट ग्राउंड टिश्यूज. You need to know about two basic type of tissues first, meristematic and permanent.
स्टडी करना शुरू करेंगे और उनके टिश्यूज़ की बात करेंगे तो पहली बात ये अराइज़ होती है कि ये टिश्यूज़ पैदा कहाँ से हुए, अराइज़ कहाँ से हुए, बनते कैसे हैं। तो प्लांट के अंदर दो बेसिक टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर ये काबिलियत होती है कि वो मुस्तकिल अपने आप को डिवाइड कर सकें और नए टिश्यूज़ बना सकें। दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल्स ऑल्सो एंड ऑल्सो ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की फर्दर डिविजन एंड डिटेल हम आगे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ की। इसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज़ की। जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते हैं, नए टिश्यूज़ बनाते हैं, तो दे हैव टू डिसाइड कि हम कौन से टिश्यू में कन्वर्ट होंगे। सो देन दे कन्वर्ट देमसेल्व्स और प्रोड्यूस एज आइदर ग्राउंड टिश्यू, आइदर वैस्कुलर टिश्यू और आइदर एज ए डर्मल टिश्यू। सो हियर दे क्लासीफाई देमसेल्व्स इन एनी ऑफ दिस टाइप, राइट। जब हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात करने पे आ गए हैं तो ग्राउंड टिश्यूज़ के अंदर ये तीन टाइप हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वैस्कुलर टिश्यूज़ ट्रैकीज एंड वेसल्स एंड सम टाइप्स ऑफ स्क्लेरिड्स जैसे कि फाइबर्स। डर्मल टिश्यूज़ एपिडर्मल टिश्यूज, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड ट्राइकोम्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ दीज टिश्यूज़। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देम सेपरेटली। पैरेन्काइमा इज अ वेरी सिंपलर टाइप ऑफ टिश्यू। It is a living tissue which can perform the function of photosynthesis as it is a living tissue and keeps chlorophyll in it, so it can perform the function of photosynthesis. इनके पास सिर्फ primary wall present होती है और ये totipotent होते हैं। Totipotent का मतलब they can divide and reproduce and can convert themselves in other tissues as well. So that is why we call them totipotent. इनके पास भी ये काबिलियत है कि ये क्योंकि ये living है तो ये टर्जिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो टर्जिडिटी मेंटेन करते हैं तो एक तरीके से तो ये मैकेनिकल टिश्यू के तौर पे एक्ट कर ही रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और टर्जिडिटी के तौर पे भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और चूंकि ये लिविंग है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब हम बात करेंगे कोलेन्काइमा की। कोलेन्काइमा भी प्राइमरी वॉल ही रखते हैं, सेकेंडरी वॉल उनके पास एब्सेंट होती है। सेल वॉल की यहाँ पर बात हो रही है, सेकेंडरी वॉल उनके पास एब्सेंट होती है और डिपोजिशन इनके पास होती है लिटिल बिट इन द प्राइमरी वॉल। सो इनकी प्राइमरी वॉल, कोलेन्काइमा की प्राइमरी वॉल पैरेन्काइमा की प्राइमरी वॉल से माइन्यूट थिकर होती है और ऑन द एजेस इनके पास डिपोजिशन होती है। कॉर्नर्स के ऊपर मोस्टली डिपोजिशन होती है इनके पास लिग्निन की। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। स्क्लेरेन्काइमा आर दोज टिश्यूज विच आर डेड टिश्यूज जो कि फोटोसिंथेसिस करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। इनके पास सेकेंडरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। इनकी जो वॉल्स हैं वो हैवीली लिग्निफाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा लिग्निन की इनके पास डिपोजिशन हुई भी होती है। लिग्निन इज अ बाय प्रोडक्ट दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट एंड फर्दर इट गेट्स डिपॉजिटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये बाय प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद ये डिफरेंट सेल्स में जाकर, डिफरेंट टिश्यूज में जाकर, डिफरेंट एरियाज में जाकर प्लांट के डिपॉजिट हो जाता है। स्क्लेरेन्काइमा की दो बेसिक टाइप्स हैं, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। फाइबर्स जो हैं वो लॉन्ग इलोंगेटेड टिश्यूज होते हैं विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑल्सो एंड दे हेल्प्स इन द मेकिंग ऑफ रोप्स एंड जूट रोप्स जिनसे हम रस्सियाँ बनाते हैं और कपड़ा ज़्यादातर जो बनता है वो फाइबर ऐसे टिश्यूज से बनता है जिनमें फाइबर्स ज़्यादा हो। स्क्लेरिड्स, स्क्लेरिड्स की भी फर्दर टाइप्स हैं बट दोज आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स आउटलाइन। स्क्लेरिड्स जो है वो ब्रांच भी हो सकते हैं और नॉन ब्रांच भी हो सकते हैं और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं नट्स के अंदर, जो हम जिन्हें हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, नट्स के अंदर और सीड्स के अंदर और सीड्स के आउटर शेल्स के अंदर। सो दे हेल्प आउट इन प्रोटेक्शन एज दे आर हार्ड। अब हम बात करेंगे वैस्कुलर टिश्यूज़ की। जब हम वैस्कुलर टिश्यूज़ की बात करेंगे तो वैस्कुलर टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, एज इट इज़ रिटन ट्रैकीड्स एंड वेजल्स। जब हम ट्रैकीड्स की बात कर रहे हैं तो ट्रैकीड्स जो हैं इनके पॉइंट्स ये हैं कि थोड़े लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और इनमें जो हैं वो
वॉल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वॉल है। लेट से मैं दो स्ट्रक्चर यहां पे बना रही हूं, मैंने कहा कि ये वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। जब ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं तो दे हैव टू लुक लाइक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, यानी कि पाइपलाइंस की तरह लगने चाहिए। तो मैंने दो चीज़ें बनाई हैं, इनमें से एक वेजल होगा और एक ट्रैकीर्स होंगे। सिर्फ ट्रांसवर्स वॉल का डिफरेंस आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रही हूँ कि जो वेजल्स होते हैं उनमें इस तरीके से ओपनिंग्स होती हैं। और एक के ऊपर एक ये वेजल्स आपस में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक पाइप को हम दूसरे पाइप के साथ जोड़ते चले जाएं तो वेजल इस तरीके से एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं और एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। जबकि जो ट्रैकीर्स होते हैं इनके अंदर ये ट्रांसवर्स वॉल्स जो हैं वो एब्सेंट, वेजल्स के अंदर ट्रांसवर्स वॉल एब्सेंट होती हैं, ओपन पाइपलाइन होती है। जबकि ट्रैकीर्स के अंदर ये जो एंड्स होते हैं ये एक तरीके से क्लोज होते हैं, लेकिन कम्प्लीटली क्लोज नहीं होंगे। यहाँ पे क्योंकि लिग्निन और टैनिन की डिपोजिशन हुई हुई होती है, तो लिग्निन और टैनिन जिन पॉइंट्स पर डिपॉजिट नहीं होता वो पॉइंट्स एज ए होल एक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से आराम से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इन बिटवीन ऑन द आउटर वॉल्स ऑल्सो एंड ऑन द साइड वॉल्स ऑल्सो, एज इट इज अ 3D स्ट्रक्चर विच आई कांट ड्रॉ एग्जैक्टली, 3D फॉर्मेट में नहीं बना सकते, लेकिन लेट्स से इस अगर आप पेन को देखें तो ये राउंड है, ठीक है। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है, तो तमाम की तमाम साइड्स के ऊपर यहाँ पे डिपोजिशन होती है लिग्निन टैनिन की और अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो जो ये डिपोजिशन है जिस पॉइंट पे नहीं होती है वो पॉइंट पिट्स कहलाते हैं, और इन पिट्स के थ्रू आराम से वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक वेजल के साथ या एक ट्रैकीड के साथ। दूसरा ट्रैकीड अरेंज होगा या दूसरा वेजल अरेंज होगा, इस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा। पिट टू पिट ट्रांसफ़र भी होगा और ऊपर और नीचे भी होगा, एक के ऊपर एक ट्रैकीड अरेंज है और इस तरीके से पिट्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो दिस इज़ हाउ दे वर्क। हेयर वी आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड मच अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, बट हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग इट इन द मैनर ऑफ सपोर्ट, कि किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्ट इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये हार्ड हैं, ठीक है, ये नॉन लिविंग है, ये डेड है, ये फोटोसिंथेसिस का पर्पज़ नहीं करते हैं, इनके पास लिग्निन की डिपोजिशन है। सो दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, अ सपोर्ट नेटवर्क ऑल्सो अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज हाउ फाइबर्स एंड ट्रैकर्स लुक लाइक और दे हैव और प्रोवाइड सपोर्ट। अब हम बात करेंगे डर्मल टिश्यूज की। डर्मल टिश्यूज ज़्यादातर जो हैं वो पैरेन्काइमेटस इन नेचर होते हैं, एपिडर्मस के सेल्स स्पेशली। स्टोमेटा की अगर हम बात करें तो स्टोमेटा के टिश्यूज गार्ड सेल्स के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं, अगेन ये लिविंग होते हैं, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्ट्रेचेबल होते हैं, यानी टर्जिडिटी मेंटेन कर सकते हैं और टर्जिडिटी लूज भी कर सकते हैं। ट्राइकोम्स एपिडर्मस के ऊपर प्रेजेंट एक्स्ट्रा हेयर्स को हम कहते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन चूंकि हेयर हम वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं प्लांट के अंदर, हम इन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। सो दे आर समटाइम्स प्रेजेंट हेयर एंड समटाइम्स प्रेजेंट ऑन द आउटर एपिडर्मल रीजन, राइट। सो दिस इज अबाउट द बेसिक मैकेनिकल टिश्यूज इन द प्लांट, कि किस तरीके से प्लांट अपनी सपोर्ट को मेंटेन करता है। जब हम सपोर्ट की ही बात करेंगे तो आगे एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से ये वेस्क्यूलर टिश्यूज़ अपने आप को मज़ीद रिवाइव करते हैं, मज़ीद स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और किस तरीके से एक बड़ा दरख्त अपने आप को एबल करता है, हाउ इट मेक्स इटसेल्फ बी एबल टू स्टैंड टॉलर, टू स्टैंड विद द एनवायरमेंटल कंडीशंस, टू को विद द एनवायरमेंट। इतना बड़ा दरख्त अगर है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत अ नॉर्मल श्रब और नॉर्मल हर्ब प्लांट, राइट। सो दैट कम्स इन द टॉपिक ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, दैट यू विल स्टडी इन आर नेक्स्ट लेक्चर। सो होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर।
सो सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो.